हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपको करा दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, वी मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, सो हाउ मेनी रेडियंस डस इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने टर्न लेगा वो, ये हम फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड, 60 मिनट 1 मिनट में 1 मिनट इक्वल्स टू 360 रेवोल्यूशन। ओके, 1 मिनट मीन 60 सेकंड्स इक्वल्स टू 360 रेवोल्यूशन। वन सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन लेगा, वन सेकेंड में 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 6 36 6 रेवोल्यूशन। ओके, अब इतना रेवोल्यूशन ले रहा है, हमें पता है जब हम एंगल मेजर करते हैं तब क्या होता है, 180 पे हाफ मेजर, 180 पे हाफ मेजर एंड 360 पे कंप्लीट मेजर, और एक हाफ होता है पाई इक्वल पाई एंड पाई, तो दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, 2 पाई रेवोल्यूशन हो जाएगा। 1 रेवोल्यूशन का 1 रेवोल्यूशन का 2 पाई, इट मींस 2 पाई इनटू 6 यानी कि 12 पाई रेडियन आंसर। ओके, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन, इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करने के बाद नोट कर लेना, उसके बाद आगे कराते हैं। ओके, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर था आपका, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबट्रैक्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्यूशन फोर, एल इक्वल्स टू होता है आर थीटा, ये ऑलवेज लर्न इट, एल होता है एल इक्वल्स टू आर थीटा, इसके इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, वो देखो, रेडियस ऑफ क्यूब में 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है 22 सेंटीमीटर, इसमें वैल्यू पुट कर दो, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एल इज 22 आर इज 100। ओके, ये आपका किसमें हो गया, रेडियन। अब क्या करेंगे, अब हमें कन्वर्ट करना है इसको एंगल में, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है, हमसे पूछ रखा है फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बता दिया था क्या, 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ओके, वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करेंगे थीटा इक्वल्स टू 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180 बाय 22/7, 22/7। ओके, 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 फाइव 10 एंड 2 नाइन 18, द थीटा इक्वल्स टू 9/63 बाय पाई। अब इसको कन्वर्ट करो, ये आपका डिग्री मेजर आ गया, डिग्री मेजर आ गया। अब इसको डिग्री और सेकंड मिनट, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5 का डिवाइड देंगे, थीटा इक्वल्स टू 5 में 5, 5 का 10 क्या हो जाएगा आपके पास, 3, 3 बाय 5 डिग्री, ये भी डिग्री में। अब इस डिग्री को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड मिनट में चेंज कर दो, 1 डिग्री हमें पता है, 1 डिग्री का क्या होता है, 60 मिनट, मिनट में कन्वर्ट कर लो, देन 12 डिग्री
मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 इनटू 60, 5 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 12 डिग्री 36 मिनट। ओके मिनट ये आपका आंसर। ओके आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं, इनका एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद 5th और 6th आपको करवाते जो कि